गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं रवि कुमार, स्वागत करता हूँ हमारे भारतीय जनता के चैनल में। मेरे साथ बने रहिए, आगे मैं आपको बताऊंगा आज कुछ खाना खबरों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झारसुगड़ा म्यूनसिपालिटी अंतर्गत पुन्नावस्ती वार्ड नंबर 16 स्थित सुखागुड़ा में झारसुगड़ा जिला जन सचेतना नागरिक मंच की ओर से एक बूस्टर डोज वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। इस कैंप में 223 लोगों को टीका लगाया गया। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के अवसर पर झारसुगड़ा जिला कलेक्टर कार्यालय में वर्चुअल बैठक में स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास शामिल हुए थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री ऑर्गन डोनेट किए हुए व्यक्ति को सम्मानित किए हैं। झारसुगड़ा सिविल कोर्ट परिसर में इस वर्ष की चौथी लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इस अदालत में आपराधिक सुलह, दुर्घटना और चेक बाउंस जैसे 2225 मामलों के बीच सुलह की गई, जिसमें 1,16,46,767 रुपए वसूल किए गए। इस अवसर में कोर्ट के सभी जज, कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित थे। मंगल बाजार स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्वतंत्रता के 75वां दिवस मनाते हुए सखालों और नंदीघोष की ओर से एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किए थे। सदर थाना अंतर्गत बीटीएम के पास एक ट्रैक्टर तेज रफ्तार से आकर अपना संतुलन खोने के कारण पलट जाने के कारण ड्राइवर सामान्य रूप से घायल होने की सूचना मिली। बेलपहाड़ थाना अंतर्गत जमकानी गांव के एक नाबालिग लड़के को दो बदमाश ने हमला करने के कारण नाबालिग घायल हुए थे और बदमाशों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस बारे में नाबालिग की मां ने बेलपहाड़ थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। ब्रिजाज नगर थाना अंतर्गत गांधी चौक आउटपोस्ट के पास एक गैरेज में काम कर रहे शेख निजाम सोने के दौरान एक जहरीला सांप आकर उन्हें काट देता है। उन्हें इलाज के लिए जिला मेन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने की सूचना मिली है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कल झारसुगड़ा जिला पुलिस की ओर से टाउन थाना से बस स्टैंड तक एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। सरबहाल रोड स्थित बुरोमल मुक्तिधाम में मानव सेवा संघ की ओर से दो अनजान लाश की अंतिम संस्कार की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर जाने के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से झारसुगड़ा में उनका भव्य स्वागत किया गया। लेकरा थाना अंतर्गत लेकरा गांव के शंकर अग्रवाल नामक एक व्यक्ति की दुकान का ताला तोड़कर बदमाशों ने 5,000 रुपए और अन्य कई सामान चुरा लेने की शिकायत थाने में दर्ज करवाई गई है। अब हर कोई पहनेगा ब्रांडेड कपड़े, वो भी साधारण कपड़ों के दाम पर, क्योंकि झारसुगड़ा में वनली ब्रांड्स लाया है जाने माने ब्रांड के पुरुषों के परिधान, वो भी 50% से लेकर 80% के डिस्काउंट पर। अब मार्केटिंग के साथ सेविंग भी। For smart marketing, come to Vanli brand. Kanga Complex, Dharamsala Chowk, Jharsuguda.